नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अतुल और ये है सैमसंग के फोन्स। ये है S20 FE 5G, ये है M51, F62, M31S, M42। दोस्तों यहाँ पे सभी फोन्स में मैंने बैटल ग्राउंड मोबाइल इंडिया को डाउनलोड कर लिया है। हालांकि ये ऑफिशियल लॉन्च नहीं हुआ है, लेकिन मैंने इसका जो बीटा वर्जन है, जो अवेलेबल है, उसे डाउनलोड कर लिया है सभी फोन्स में। तो मैं यहाँ पे चेक करूंगा सभी फोन्स में आपको कौन सी ग्राफिक सेटिंग्स मिल जाती है, कौन से ग्राफिक क्वालिटी और फ्रेम रेट पे आप यहाँ पे मैक्सिमम खेल सकते हो, और किस तरह से आपको अगर ये डाउनलोड करना हुआ तो आप भी किस तरह से अपने फोन में डाउनलोड कर सकते हो। और फिर आपको ये भी पता चलेगा कि अलग अलग प्रोसेसर के हिसाब से कितने FPS या फिर कितनी ग्राफिक क्वालिटी, कितने फ्रेम रेट आपको यहाँ पे गेम के अंदर सेटिंग्स में मिल जाती है। क्योंकि यहाँ पे S20 FE 5G में है स्नैपड्रैगन 865, M51 में है स्नैपड्रैगन 730G, F62 में है एक्सिनोस 9825, M31S में है एक्सिनोस 9611 और M42 में है स्नैपड्रैगन 750G। तो दोस्तों यहाँ पे मैं एक एक करके सभी फोन में इन्हें खेलूंगा, आपको यहाँ पे सेटिंग्स भी यहाँ पे शो करूंगा और यहाँ पे जो FPS है वो भी आपको पता चली जाएगा। लेकिन सबसे पहले मैं आपके यहाँ पे बताऊंगा कि आपको किस तरह से इसे डाउनलोड करना है। अगर आप डाउनलोड करना चाहते हो तो आपको क्या करना है, आपको एक लिंक पे क्लिक करना है जो आपको मिल जाएगी डिस्क्रिप्शन में, वो है बीटा टेस्टिंग की लिंक। आपको लिंक पे क्लिक करके इसे ओपन करना है, इस तरह से ओपन होगा। फिर आपको यहाँ पे करना है बिकम अ टेस्टर, ठीक है। आप जैसे इस पे टैप करोगे आपको यहाँ पे आएगा वेलकम टू द टेस्टिंग प्रोग्राम। तो आप यहाँ पे बीटा टेस्टिंग में ज्वाइन हो चुके हो। और फिर आपको यहाँ पे करना है डाउनलोड इट ऑन गूगल प्ले, आपको इस पे टैप करना है और फिर आप यहां से इसे इंस्टॉल कर सकते हो। आप यहाँ पे देख सकते हो आपको यहाँ पे इंस्टॉल का ऑप्शन आ जाएगा। पहले यहाँ पे प्री रजिस्टर का ऑप्शन होता था, लेकिन जैसे आप यहाँ पे बीटा में लॉगिन करोगे आपको यहाँ पे इंस्टॉल का ऑप्शन आ जाएगा। और यहाँ पे साइज देख सकते हो आप, यहाँ पे साइज जो है 721 MB है। इसके बाद आपको यहाँ पे HD रिसोर्स पैक भी डाउनलोड करना पड़ता है गेम के अंदर, वो होता है करीबन 600 MB का। तो इस तरीके से आप 1300-1400 MB का एक गेम जो है डाउनलोड कर सकते हो आपके फोन में। तो यहाँ पे सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे S20 FE 5G में, देखेंगे क्या सेटिंग्स आपको मिल जाती है। वन बाय वन हम सभी फोन में यहाँ पे ये चेक करेंगे। दोस्तों ये है S20 FE 5G, इसमें हम देखेंगे गेम को ओपन करके और किस तरह से गेम ओपन होता है, किस तरह से इसका फर्स्ट लुक है ये भी हम देखेंगे। इस तरह से आप यहाँ पे देख सकते हो क्राफ्टन का लोगो यहाँ पे आता है सबसे पहले, और यहाँ पे लिखा होता है कि ये रियल वर्ल्ड का गेम नहीं है, वर्चुअल बेस्ड है। और आप यहाँ पे देख सकते हो पूरा जो लोगो है एग्जैक्टली पबजी की तरह ही है। और यहाँ पे एक अच्छी बात है कि आप जो अपना जो पबजी अकाउंट है उसे ट्रांसफर कर सकते हो। मान लो आपने पबजी गेमिंग में कुछ रिसोर्सेस परचेस किया होगा, तो अगर आपको उस परचेस को मेंटेन रखना है तो आपको यहाँ पे ऑप्शन मिलता है कि आप अपने पबजी अकाउंट को ट्रांसफर कर सकते हो, ताकि आपने जो भी परचेस किया है आपको यहाँ पे मिल जाए। दोस्तों ये है इसका होम पेज, आप इस तरीके से स्वाइप करके पेज के बीच में यहाँ पे स्विच कर सकते हो, आप यहाँ पे देख सकते हो। और फिर आपको यहाँ पे करना है सेटिंग्स में, अगर आप जाओगे यहाँ पे तो ये है स्नैपड्रैगन 865। यहाँ पे आपको ग्राफिक में आप देख सकते हो ग्राफिक क्वालिटी अल्ट्रा HD है मैक्सिमम। हालांकि ये फोन USD भी सपोर्ट करता है, लेकिन यहाँ पे अभी तक गेम में USD आया नहीं है। और फ्रेम रेट जो है अल्ट्रा, तो आप अल्ट्रा HD अल्ट्रा पे खेल सकते हो अगर आपका फोन फ्लैगशिप लेवल का है तो। और यहाँ पे जैसे हम करते स्टार्ट, यहाँ पे सेम वही UI है, सेम वही लुक है। यहाँ पे टाइमर होता है, यहाँ पे मैचिंग होती है सेम पबजी की तरह ही। जो मैप से वो भी पूरी तरह से पबजी की ही है। दोस्तों आप यहाँ पे देख सकते हो यहाँ पे मैंने गेम को जो है अल्ट्रा HD और अल्ट्रा फ्रेम रेट पे सेट किया है, और यहाँ पे मुझे मैक्सिमम 40 FPS अचीव हो रहा है गेम में। और यहाँ पे सेम जो लुक है पूरी तरह से पबजी का है, आप यहाँ पे देख सकते हो कोई भी डिफरेंस नहीं है। मैं कहूँगा केवल नाम को चेंज कर दिया गया है, लेकिन बाकी जो पूरा एक्सपीरियंस है पूरी तरह से पबजी का ही है।
तो दोस्तों अब हम यहाँ पे देखते हैं M51 में किस तरह से आप यहाँ पे गेमिंग कर सकते हो, क्या सेटिंग्स आपको यहाँ पे मिल जाती है। तो दोस्तों ये है M51 जिसमें स्नैपड्रैगन 730G। यहाँ पे अगर आप देखोगे सेटिंग्स में तो यहाँ पे आपको ग्राफिक क्वालिटी मैक्सिमम मिलती है HD। आप HDR नहीं खेल सकते, मैक्सिमम यहाँ पे होता है HD और फ्रेम रेट होता है हाई। तो HD और हाई पे आप यहाँ पे खेल सकते हो मैक्सिमम। और हम यहाँ पे देखते हैं एक्सपीरियंस कैसा है, फ्रेम रेट कितनी अचीव होती है इस फोन में। दोस्तों ये है F62। देखते हैं इसमें कौन सी सेटिंग्स आपको यहाँ पे देखने मिलती है। जैसे आप जाते हैं अपने सेटिंग्स में, यहाँ पे आप देखो कि ग्राफिक क्वालिटी आपको यहाँ पे मैक्सिमम HDR मिल जाती है। और यहाँ आप HDR और अल्ट्रा दोनों सेटिंग्स में खेल सकते हो F62 में। दोस्तों ये है M31S। इसमें भी देखते हैं कौन सी सेटिंग आपको यहाँ पे मिल जाती है। तो आप यहाँ पे HDR में खेल सकते हो और अल्ट्रा HDR अल्ट्रा की सेटिंग्स पे खेल सकते हो। तो दोस्तों अगर आपके फोन में Exynos 9611 का प्रोसेसर है, जैसे M31, M31S, M21 में है, तो आप यहाँ पे देख सकते हो आप HDR और अल्ट्रा पे यहाँ पे गेमिंग कर सकते हो। दोस्तों ये है M42 5G। यहाँ पे देखते हैं क्या सेटिंग्स आपको मिल जाती है इसमें स्नैपड्रैगन 750G। तो
आप यहाँ पे देख सकते हो मैक्सिमम आप यहाँ पे HDR और हाई पे खेल सकते हो, जैसे आप M51 में खेल सकते हो। दोस्तों बात करते हैं इसके और सेटिंग्स की, तो यहाँ पे बेसिक्स में आप यहाँ पे देख सकते हो, यहाँ पे आपको अकाउंट ट्रांसफर करने का ऑप्शन मिलता है। अगर आप पबजी यहाँ पे पहले से खेल रहे हो तो आपको यहाँ पे अकाउंट ट्रांसफर आप यहाँ पे कर सकते हो। फिर यहाँ पे एम असिस्ट है, फिर यहाँ पे लीन मोड है, स्कोप मोड है, एम है, जायरोस्कोप है, और इसके अलावा ग्राफिक्स में मैंने जैसे आपको बताया आप यहाँ पे एंटी अलियासिंग को भी ऑन ऑफ कर सकते हो। स्टाइल क्लासिक कलरफुल रियलिस्टिक सॉफ्ट मूवी इस तरह के आपको यहाँ पे मिल जाते हैं। और आपको यहाँ पे कलर ब्लाइंड मोड भी मिल जाता है, जिनको कलर पहचानने में डिफिकल्टी होती है उनके लिए भी यहाँ पे है। और शेडोज ब्राइटनेस आप यहाँ पे कम ज़्यादा कर सकते हो, और ऑटो एडजस्ट ग्राफिक भी यहाँ पे कर सकते हो फ्रेम रेट के हिसाब से। कंट्रोल्स की अगर बात करेंगे तो यहाँ पे 3 टाइप्स के यहाँ पे कंट्रोल आपको देखने मिल जाते हैं। व्हीकल के लिए कंट्रोल आपको यहाँ पे मिल जाते हैं, सेंसिटिविटी आप यहाँ पे कम ज़्यादा कर सकते हो। पिकअप के लिए, स्कोप के लिए आप कलर यहाँ पे चेंज कर सकते हो स्कोप का। ऑडियो में आप यहाँ पे अल्ट्रा HD साउंड भी डाउनलोड कर सकते हो अगर आप करना चाहते हो तो। फिर इफेक्ट की सेटिंग्स जो है, यहाँ पे जब कोई किल होता है तो किस तरह से उसका कलर दिखना चाहिए आप वो कलर भी यहाँ पे शो कर सकते हो, और डैमेज इफेक्ट का कलर भी आप यहाँ पे चेंज कर सकते हो। तो दोस्तों ये है बेटर ग्राउंड्स मोबाइल इंडिया का फर्स्ट इंप्रेशन, और यहाँ पे हमने सभी सैमसंग के फोन में खेला, जिनमें अलग अलग आपको प्रोसेसर देखने मिलते हैं और किस तरह से आपको सेटिंग्स और फ्रेम रेट देखने मिलती है, वो भी हमने वो भी चेक कर लिया है। दोस्तों अगर आप डाउनलोड करना चाहते हो तो आप डाउनलोड कर सकते हो, जैसे मैंने आपको बताया। दोस्तों ये था इस वीडियो में, अगर आपका कोई भी सवाल हो तो आप हमें पूछ सकते हो। इस वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद दोस्तों।